दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार दुबई। इसको किसी के परिचय की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल और यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें दुनिया को हमेशा से आकर्षित करती आई हैं। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 से अधिक दुकानें हैं। हम भारतीयों को तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है दुबई के लोगों को सोना इतना पसंद है कि यहाँ आपको सोने से बनी कार भी देखने को मिल जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी सोने की बनी चेन भी दुबई में है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है। दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर 43.3% भारतीय हैं। 1960 तक दुबई में देखने लायक कुछ नहीं था। फिर वहाँ तेल की खोज हुई और देखते ही देखते दुबई इतना विकसित हुआ कि वह दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिने जाने लगा। दुबई के लोग कारों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कारें अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगी तो वह सिर्फ दुबई है। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से तो हर देश को जूझना पड़ता है, लेकिन जब दुबई में सुपर कार्स का ट्रैफिक जाम लग तो वहाँ आपको सिर्फ सुपर कार्स की लाइन ही देखने को मिलेगी और दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के इस जाम में देखने को मिल जाएंगी। दुबई पुलिस के पास कोई साधारण गाड़ी नहीं होती, वो फरारी लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची इमारत थी, लेकिन अब दुबई में 911 से अधिक ऊंची इमारतें हैं। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर के ज़्यादातर शहरों में अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। वहीं दुबई में अपराध की संख्या ना के बराबर है। इसकी वजह है वहां का कड़ा कानून, इसलिए दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुंचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।